टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीवी। अंधविश्वास, काले जादू के चक्कर में आकर सगे माँ बाप और चाची ने मिलकर एक 5 साल की मासूम बेटी की डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में लड़की के पिता सिद्धार्थ चिमने और लड़की की माँ रंजना चिमने और उसकी चाची प्रिया बंसोड़े को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि एक बाबा से बच्ची के माता पिता मिले थे, उसके बाद काले जादू के साए से दूर रहने के लिए इस बच्ची से उसके माँ बाप कुछ सवाल पूछ रहे थे और जिसके बाद इन लोगों ने चाची के साथ मिलकर इस 5 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की और जब ये बेहोश हो गई तो इसे अस्पताल लेकर गए, मगर इस बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल में इस बच्ची को छोड़कर इसके माता पिता भाग रहे थे, मगर अस्पताल का जो सुरक्षा गार्ड था उसने इनकी कार की तस्वीर निकाल ली थी और इसी कार के आधार पर बच्ची के माता पिता और चाची को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला नागपुर का है। पुलिस को बच्ची के माता पिता के मोबाइल फ़ोन से बच्ची की पिटाई की वीडियो भी मिली है और ये भी बताया है कि इन्होंने एक बाबा से मुलाकात की थी जिसके बाद इस बच्ची की पिटाई की है। हालांकि पुलिस ने माता पिता और चाची को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है और पुलिस आगे उस बाबा की भी तलाश कर रही है। एफबीआई भिंताड़े, इन्हें ऐसी जानकारी मिली कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक 5 साल की छोटी बच्ची का डेड बॉडी उसके पेरेंट्स लेकर आए हैं और कुछ आगे की जो कानूनी प्रक्रिया न करते हुए ये माँ बाप वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जाके जब वेरीफाई किया गया तो ये बात समझ में आई कि जो माँ बाप हैं उन्होंने ये बच्ची की डेड बॉडी वहाँ जमा करके वहाँ से बहुत जल्दबाजी में ये निकले। वहाँ के जो सिक्योरिटी है उन्होंने उसकी फ़ोटो खींची, उस फोटो उनकी गाड़ी की फ़ोटो खींची, उस गाड़ी की फ़ोटो को लेकर फिर आगे की छानबीन जब की तब समझ में आया कि उस लड़की के माता पिता है सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने और रंजना सिद्धार्थ चिमने, जिनको शाम को राणा प्रताप नगर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। जब इनका इंट्रोगेशन किया गया तब इनके मोबाइल फ़ोन में हमें कुछ वीडियो क्लिप्स मिली जिसमें इस 5 साल की बच्ची को बेहद बेरहमी से मारा पीटा जा रहा था और ये संदेहजनक परिस्थिति में इसकी मौत हुई है ऐसा हमें अंदाज़ा है। आगे की जो छानबीन है वो चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद में इसके मृत्यु का एग्जैक्ट जो कारण है वो सामने आएगा। अभी तक पुलिस ने इस मामले में सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने, रंजना चिमने और प्रिया बंसोड़, इन तीनों को अरेस्ट किया है। इनके इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया गया है कि 28 तारीख को, गए महीने में 28 तारीख को ये एक बाबा से मिले थे, भुंदू बाबा से मिले थे जिनका नाम शंकर बाबा है। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया है, उनकी भी अरेस्ट की कायदेशीर प्रक्रिया चल रही है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें आगे के जो भी निकलेगा उसमें हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे।